महागठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडलों का विस्तार हो चुका है और जितने भी मंत्री आज मंत्री पद का शपथ लिए हैं तमाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग जो अशोक चौधरी को मिला वो आज अपना पदभार ग्रहण करने भवन निर्माण विभाग में पहुँचे थे और पदभार ग्रहण करते ही अशोक चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कर आप देखिए इस वीडियो में। आप कैबिनेट क्योंकि आज कैबिनेट हो गया है 4:30 बजे से और ये मेरा 5वां बार मंत्रिमंडल का ओथ है। हमने अपने अभी तक के 52-53 साल की उम्र में 5वीं बार इस बिहार के मंत्रिमंडल में हमने शपथ ग्रहण किया है और जनरली कैबिनेट जाने के पहले हम हमेशा अपने विभाग का पदभार ग्रहण कर ही कैबिनेट गए हैं और ये आज संयोग है कि आज ही 4:30 बजे कैबिनेट हो गया है। इसीलिए हमने ये उचित समझा कि आज विभाग का कार्यभार हम संभाल लें सो दैट कि आप कैबिनेट में अपने विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपने विभाग का कार्यभार संभाले ही नहीं है तो फिर कैबिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करिएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन टुडे आई हैव डिसाइडेड टू टेक चार्ज सो दैट व्हेन देयर इज अ कैबिनेट आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सर नए परिवेश में नई चीजें हुई भारतीय जनता पार्टी कल तक से हो गई थी अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्या आपको लगता है कोई चुनौती नहीं है क्या? क्या चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रही थी माननीय नेता जो है मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे तो एक तरफ आपने दबाव दे के माननीय नेता को मुख्यमंत्री बनवाया उसके बाद ऐसे वैसे नेताओं से जिसकी कि कोई नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार हैज़ वर्कड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स और 17 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं यू कैन वेल इमेजिन द एक्सपीरियंस व्हाट इज हैविंग। भारत सरकार के राज्य मंत्री से लेकर के केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर तक इस देश में जो कृषि नीति आई है उसको भी आज तक कृषि नीति नहीं थी। जब नीतीश जी कृषि मंत्री बने तो कृषि नीति लाने का काम माननीय नीतीश जी ने किया तो जो आदमी इतना अनुभवी है इतना एक्सपीरियंस्ड है उसको आपने इस चुनाव में 2020 के चुनाव में आपने चिराग मॉडल ला करके आपने उनको मार्जिनलाइज करने का पहले तो प्रयास किया फिर दबाव बनाकर आपने उनको मुख्यमंत्री बनवाया उसके बाद जो फर्स्ट टर्मर लोग जिनको आपने मंत्री बनाया जो पुराने मंत्री लोग थे वो नीतीश जी के कार्यप्रणाली को समझते थे क्योंकि अटल और आडवाणी की जो जोड़ी थी उसके नीतीश जी उपज हैं और उस उन परिस्थितियों में नीतीश जी ने वो सॉफ्ट हिंदुत्व था और माननीय नीतीश जी ने उनके साथ कोहेसिव एटमोसफेयर में भाईचारा जिसमें कि नीतीश जी को एक गठबंधन का साथी समझकर हर एक निर्णय में उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता था। अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी है बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है लेकिन फिर भी नीतीश जी आए क्योंकि उनको लगा कि वही पुराना हमको साथ होगा लेकिन फिर 19 का चुनाव भी साथ लड़े 20 का भी चुनाव साथ लड़े फिर भी उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इन लोगों में बदलाव होगा लेकिन बदलाव आने के बदले और परिस्थितियाँ विपरीत होती चली गई तो नीतीश जी ने निर्णय किया और हम लोग सब नेता के निर्णय के साथ हैं। तो आपने सुना जो भवन निर्माण विभाग जो मिला है अशोक चौधरी को उनका कहना था कि जो अब जो नए वाली बीजेपी है उनके साथ काम करने में हम लोग को दिक्कतें होती थी और हमेशा से नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जाता था मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार नहीं बनना चाहते थे लेकिन प्रेशर दे के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया और हर काम के लिए नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता था इसीलिए हम लोगों को वहाँ से छोड़कर और दूसरे के साथ आना पड़ा। और भी क्या कुछ कह रहे थे अशोक चौधरी आपने इस वीडियो में सुना बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे।